हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम चले आए हैं एक बड़ा अपडेट लेके। वो अपडेट है कि आधार कार्ड का POI अपडेट का आपका लास्ट डेट है 14 जून 2023। सो आप लोग को जल्दी से काम कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका जो आधार कार्ड है वो इनवैल्यूएबल हो जाएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है वो मतलब वैल्यूएबल नहीं रहेगा। आपका आधार कार्ड मतलब कोई काम नहीं करेगा, इसलिए आपको जल्दी से जल्द ये अपडेट कर लेना चाहिए। इसके लिए POI डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या लगेगा, यहाँ पर देख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है 14 June 2023। ये अगर आप लोग मेरे थ्रू करेंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उसमें आपका मतलब सब कुछ जो है वो सब कुछ मतलब आप लोग वहाँ पर सब कुछ आप लोग का व्हाट्सएप नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरा अगर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे स्क्रीनशॉट देकर आपका डॉक्यूमेंट्स अगर भेजोगे तो आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, तो 1 rupees मेरा अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देना और आपका डॉक्यूमेंट्स भेज देना। उसके बाद आपका जो POI अपडेट वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी मिल जाएगा कॉपी। तो ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा POI में। आप यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब कुछ शो करेगा, उसके बाद आपको वेरीफाई में क्लिक करके इसके बाद आपको करना होगा नेक्स्ट क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आया है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है ESI कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID, बट आपका जो डेमोसियल सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल जो पंचायत और ब्लॉक सब म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से मिलता है वो वाला, आपका जॉब कार्ड, लेबर कार्ड पे भी काम चलेगा। लेबर कार्ड मतलब यहाँ पर ई श्रम कार्ड का यहाँ पर बोल रहा है, आपका ई श्रम कार्ड भी होगा यहाँ पर काम चल जाएगा। वहाँ आपका अगर इंडियन पासपोर्ट होगा तो उसकी काम चल जाएगा, पैन कार्ड भी होगा, उसके बाद पेंशन कार्ड फोटो से भी काम चल जाएगा। वहाँ आपका रेशन कार्ड होगा तो उससे, वह STABC सर्टिफिकेट से भी काम चलेगा। ये वाला जो POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो आपका है वो वाला काम चल जाएगा इसमें। आपका अगर वोटर कार्ड रहेगा तो वोटर कार्ड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो उससे भी आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आप जो POA मतलब जो प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसका क्या क्या लगेगा, उसका भी आपका लगेगा वोटर कार्ड लगेगा, वाटर बिल लगेगा, STOBC सर्टिफिकेट व मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा यहाँ पर गवर्नमेंट ID मतलब डोमिसियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जो भी है, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिक बिल, अगर बैंक का कोई अकाउंट है तो पासबुक का जो अकाउंट है वो आपको मतलब यहाँ पर PDF करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। आपके पास अगर JPEG अगर पिक्चर होगा तो आप PDF ही अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और 5 MB के मतलब 2 MB के साइज रख के यहाँ पर अपडेट करना। आप यहाँ पर फाइल फॉर्मेट अपडेट करते हो तो JPEG फॉर्मेट और PNG और PDF फाइल यहाँ पर अपडेट करते हो, ठीक है। अगर ये आप लोग अगर अपडेट नहीं करोगे तो आपको क्या क्या समस्या होगा तो वो बात हम लोग इस वीडियो में ही करेंगे। तो पहले ओला सब देख सकते हैं, यहाँ पर बंगाली में लिखा हुआ है कि प्रिय बासिंदा अपना जो सर्विसेज प्रूफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस जमा दिए अपना आधार डेटाबेस नथि अपडेट करा अपना शक्तिशाली परामर्श मानने अपना जो POI अपडेट सेगुलो जी अपनी यदि अपलोड कर दें তাহলে আপনার আধার কার্ডটি আরও শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং পরবর্তী ফিউচারে আপনাদেরকে কোনো কিছু আপডেট করার দরকার নেই, ঠিক আছে। তো এটি করে নিলে আমাদের একটা লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি হয়ে যাবে, আর এটি আপডেট যদি না করেন তাহলে আপনার আধার কার্ডটা কাজ করবে না, ইনভ্যালুয়েবল ল্যাপস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এর তারিখ দিয়েছে ফ্রি তারিখ 14/6/2023। এই 14/6/2023 পর থেকে এটি আপডেটের জন্য POI আপডেটের জন্য 50 টাকা আর POI আপডেটের জন্য 50 টাকা করে গভর্নমেন্টকে দিতে হবে। মানে বাইরে যদি আপনি সাইবার ক্যাফে করতে চান তাহলে টোটাল খরচ হয়ে যাবে আমাদের 200। আর এমনিতে আপনার যদি আধার কার্ড যদি এনরোলমেন্ট সেন্টারে গিয়ে করেন তাহলে সেখানে ভিড়ের জন্য ক্রমাগত আপনাকে 50 থেকে 50 টাকা দিয়ে পরে লাইনে দাঁড়াতে হবে, তাই দেরি না করে এখনই এটি করে নিতে পারতেন। তো ইয়ে আপনার মতলব দেওয়া হওয়া হ্যাঁ আপনার POI যে আপডেট হ্যাঁ वो आपको जल्द से जल्द 14 जून के अंदर ही कर लेना चाहिए, ठीक है। मेरा पास हो रहा है, अगर मेरा कैम्प में आकर आप लोग कीजिएगा तो पैसा लगेगा 30 रुपया, ठीक है। आप अगर मेरा यूट्यूब सब्सक्राइबर हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज के आपका POI अपडेट मेरा व्हाट्सएप नंबर में सेंड करके आप POI अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपको जो व्हाट्सएप में आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीव मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद
आप अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो तो मेरा जो नंबर रहेगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पर मैं QR कोड भेजूँगा मेरा शॉप का, तो वहाँ पर आप लोग स्कैन करके मुझे 1 रुपया भेज देना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स भी भेज देना, आपके पास एक OTP जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन बोल के, वो OTP आपको एक्सेस करने के लिए है आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, वो वाला OTP आपको मुझे बताना पड़ेगा। उसके बाद OTP जाएगा आपका जिसके नंबर पे आधार कार्ड का लिंक है उसी नंबर पे OTP जाएगा, क्योंकि OTP मतलब लिंक आधार पीछे रहना मतलब मैंडेटरी है, अगर नहीं रहेगा तो आपका अपडेट नहीं होगा। तो उसके लिए पहले आपको एनरोलमेंट सेंटर में जाके आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा 50 रुपया दे के, उसके बाद होगा। और कैब में हो सकता है 250-300 ऐसे कुछ लेगा अपडेट करने के लिए, मतलब मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड के जोड़ने के लिए। तो इसी सलाह है कि अगर POIPO अपडेट कर लेंगे आप लोग तो उसी से आपका आधार कार्ड और थोड़ा मजबूत हो जाएगा, और आपको फ्यूचर में कभी भी आपका जो POIPO अपडेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी बाहर में शिफ्ट होना चाहते हो तो तब आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पर आप रहते हो अभी रह रहे हो वहाँ का कुछ एड्रेस वगैरह मतलब बैंक अकाउंट पासबुक और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वहाँ से लेके आपको मतलब फिर से आपका एड्रेस अपडेट कराना होगा, ठीक है। नहीं तो आपका अगर आप यहाँ पर रह रहे हो 10 साल मतलब ये किन किन को इसको अपलोड करना पड़ता है, मतलब आप मतलब जिस लोग मतलब जिसका आधार कार्ड का एज ही हो गया 10 वर्ष मतलब 10 साल हो चुका है, मतलब मान के चलो आपका एज अभी हुआ है 15 या 12 तो आपका आधार कार्ड हुआ है आपका 0 से 5 वर्ष आगे पहले 0 से 5 महीने के अंदर हुआ था, तो इसी से हिसाब से आपका आधार कार्ड का एज जो 10 साल हो गया है, तो इसलिए आपको ये POIPO अपडेट करना होगा। अगर ये POIPO अपडेट आप लोग नहीं करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो लैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप अभी 1 रुपया में हो रहा है चार्जेस, फ्री में दिया है गवर्नमेंट 14 जून तक, बट आम पब्लिक इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि बैकवर्ड सर्विस बोल के एक मतलब मैसेज आएगा, ठीक है। और वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वो सर्विस मैसेज आएगा अगर मैं मेरा आईडी से ना कर पूरा डायरेक्ट करूँगा तो देखिए एक मैसेज आएगा, उसके बाद आप लोग को मैं प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको सेल्फ में जाना होगा, इसके बाद माय आधार में जाना होगा, उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो आपका जो आधार का नंबर है वो डालना होगा। हो गया, मैं तो डाल दिया हूँ, आप देखो, आप देखिए POIPO यहाँ पर है आपका O0U, अब मैं डाल दिया, यहाँ पर मेरा OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको दिखाता हूँ मतलब क्या यहाँ पर शो करेगा कि बैकवर्ड सर्विस नॉट अलाउड, ठीक है। अभी तक मैसेज नहीं आया है, मैसेज के इंतजार कर रहा है। हाँ आ गया, 1139016। आप देखिए मैं जब इसको लॉगिन करने जाऊँगा तो बैक एक्सेस देगा क्या, वी कुड नॉट कम्प्लीट रिक्वेस्ट टेम्पररी एरर्स एक्सेस इन आवर बैकवर्ड बैक एंड सर्विस, मतलब आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको तो यही आप लोग को बताना था, अगर आप लोग को अभी आधार कार्ड अपडेट कराना है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर करना चाहते हो तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पर मेरा जो नंबर रहेगा वो डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।